ऐसे देश हैं जहां पर जाना सुरक्षित नहीं है। इनमें से किसी देश में आतंकवादियों का बोलबाला है तो कहीं पर गरीबी भूखमरी की वजह से लूटपाट और मर्डर आम बात है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर ना तो कोई अपराधी है और ना ही अब कोई जेल में है? आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि क्या वाकई में धरती पर ऐसी कोई जगह है, कोई देश है जहां क्राइम नहीं होता। ऐसे में आपको बता दें कि यूरोप में एक ऐसा ही देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस देश का नाम क्या है। आपको बता दें कि ये देश नीदरलैंड है जहां पर कोई अपराधी नहीं है। साल 2013 में यहां पर 19 कैदी हुआ करते थे, लेकिन 2018 आते आते जेलें वीरान हो गई। इस यूरोपीय देश में अपराध दर में कमी के परिणाम स्वरूप जल्द ही अपनी जेलों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा था। लेकिन इसमें एक समस्या आने लगी थी कि जेल में काम करने वाले कर्मचारियों का आखिर क्या होगा। टेलीग्राफ यूके की 2016 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार डच न्याय मंत्रालय ने सुझाव दिया कि अगले 5 वर्षों में कुल अपराध दर में प्रति वर्ष 0.9% की गिरावट आएगी। लेकिन तब ये भी सवाल सामने आने लगे थे कि जेलों को बंद करने का मतलब लगभग 2000 लोग नौकरी खो देंगे। उनमें से सिर्फ 700 लोगों को ही अन्य सरकारी भूमिकाओं के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। साल 2018 में खाली जेलों का मुद्दा इस हद तक पहुंच गया था कि 2017 में नीदरलैंड को अपनी जेलों को भरा रखने तथा व्यवस्था को चालू रखने के लिए नॉर्वे से कैदियों को लाना पड़ा था। हालांकि नीदरलैंड में जेल अभी भी हैं, लेकिन कैदियों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर बाहरी देशों के कैदी ही इसमें बंद हैं। इनकी देखरेख के लिए एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ सजा काट रहे लोगों को पढ़ने लिखने से लेकर खुले में काम करने तक का मौका दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है ये एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम। एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जिसे घर में नजरबंद किए गए लोगों या जेल में बंद कैदियों को हर समय पहनना जरूरी होता है। इसके जरिए कैदियों को एक तय सीमा के अंदर रहना होता है। अगर वे कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम में लगे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाती है।